होगा, जितना बड़ा तुम्हारा पात्र होगा लक्ष्मी उतना ही धन तुम्हें देंगे। धन किनके पास होता है? जो सहनशील होते। जय श्री मन्नारायण। मित्रों, इस समय भारतवर्ष में दो महापुरुष बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध हो रहे हैं। पहले तो बालाजी महाराज के धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज शास्त्री जी हैं और दूसरे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में यह वीडियो मैं बना रहा हूँ खासतौर से क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वो भक्तों से भी पैसा लेते हैं, वो जो है यूट्यूब से भी कमाते हैं। उनके यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि उनके यूट्यूब पे 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे व्यूज आते हैं, वहां से भी वो काफी पैसा अर्न कर लेते हैं। तो आज मैं आपको सारी वृत्तांत बता देता हूं विस्तार से कि अनिरुद्धाचार्य महाराज कहां कहां से पैसे कमाते हैं और कैसे कैसे उनका जीवन चलता है, कैसे कैसे मतलब उनके खर्चे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो अनिरुद्धाचार्य महाराज का, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज स्वयं नहीं बनाए गए हैं, उनका एक भक्त अनुयायी जो नजदीकी है उसने बनाया हुआ है और यही रिकॉर्ड करके वो अपने चैनल पर डालता है उनके वीडियोस को। तो ये चीज तो क्लियर हो जाता है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का ये चैनल अपना नहीं है, इसकी अर्निंग उनके पास नहीं जाती है, हालांकि इसमें अच्छी खासी अर्निंग होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अनिरुद्धाचार्य महाराज जो भक्तों से पैसा लेते हैं, यानी कि लेते मतलब जबरदस्ती मार के छीनते नहीं हैं, लेते मतलब वो भक्तों द्वारा जो प्रदत्त होता है, जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों का क्या करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के कई कई बड़े बड़े अखाड़े में पैसे जाते हैं, बड़े बड़े धर्मशालाओं में उनके पैसे जाते हैं, बड़े बड़े भोजनालय हैं जो जहाँ पे हजारों की संख्या में रोज भूखे भोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे जगह पे बड़े बड़े गौशालाओं में उनके पैसे चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, तो ऐसे जगह पे लोगों की सेवा में उनके पैसे जाते हैं, जो भी उनको चढ़ावा मिलता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी संतों महापुरुषों के ऊपर उंगली नहीं उठाइएगा कि वो इतने पैसे लेते हैं लोगों से, वो ये तो पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसे संतों को जैसे हजारों की संख्या में आज जो गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, उनको भोजन प्राप्त हो रहा है, फ्री में भोजन कर रहे हैं, फ्री में उनको आश्रय मिला हुआ है। इसलिए दोस्तों, कभी भी संतों या महापुरुषों पर उंगली नहीं उठाइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। जय श्री राम।